खातिम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कुछ व्यक्ति आलसी होते हैं। आलसी व्यक्ति को अक्सर यदि कोई काम बताया जाए तो वो बहाने बनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन ये अर्थ समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि सफलता और बहाने एक साथ नहीं चलते। समय व्यक्ति को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सदुपयोग व्यक्ति को सफल बनाता है। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सकारात्मक विचार जीवन के लिए प्रेरणादायक हैं, ऊर्जा का स्रोत हैं, या ये कहें कि सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। जिस व्यक्ति के विचार श्रेष्ठ हैं, वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। आपत्ति काल में जो भी व्यक्ति मित्र बना रहता है, वस्तुतः वह ही सच्चा मित्र होता है। अन्यथा धन संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होने की स्थिति में तो दुर्जन भी मित्र के समान ही व्यवहार करते हैं। Only such a person is called a true friend, who remains a friend even during times of crisis or bad phase of life. Otherwise, even mean and wicked persons behave like friends in times of prosperity. मंदिर न केवल धर्म को जानने में सहायक हैं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला की उत्कृष्टता की कहानी भी कहते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है श्री रंगनाथ मंदिर। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट और समझते हैं क्या है इसका महत्व और क्या है इसकी उपयोगिता भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भारत के दक्षिणी भाग तमिलनाडु का शहर तिरुचिरापल्ली भारतीय ज्ञान परंपरा के अंगभूत समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को रंगनाथ के रूप में पूजा जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर या तिरुवरंगम
एक हिंदू मंदिर है जो तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में रंगनाथ अर्थात भगवान विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ वास्तुकला द्वारा निर्मित रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम अथवा विष्णु मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है। मंदिर के गर्भगृह का आकार तमिल में ओम शब्द जैसा है, जहां आदिशेष पर विश्राम मुद्रा में स्थापित रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को विशेष रूप से थैलम, कस्तूरी, कपूर, शहद, गुड़ और चंदन से बने पेस्ट का उपयोग करके तैयार किया गया है। धर्म और संस्कृति दोनों के लिए महत्वपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा के परिचायक भक्ति आंदोलन के इस प्रभावशाली केंद्र को आज दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक माना जाता है, जिसका पुनर्निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में कराया गया था। श्री रंगम मंदिर के स्तंभों की प्रत्येक दीवार पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण ऐतिहासिक शिलालेख भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित गरुड़ वाहन, सिंह वाहन, हनुमंत वाहन और शेष वाहन जैसे रथ मंदिर परिसर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण रथों में से एक है, जो विशेष त्योहारों और अवसरों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके गैबल में 11वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहक रामानुजाचार्य की नक्काशी भी है। परिसर क्षेत्र में 80 से अधिक मंदिर और 39 भव्य मंडप शामिल हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विभिन्न रूपों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहकों भगवान राम, भगवान कृष्ण, वैष्णव विद्वानों और कवियों को भी समर्पित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के आसपास एक दिव्य वातावरण है। भगवान विष्णु का आंतरिक गर्भगृह जहां वे विश्राम करते हैं स्वयं परम दिव्यता की अनुभूति प्रदान करता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पर्यटक प्रतिदिन इस सुंदर आध्यात्मिक श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का दर्शन करने, भगवान रंगनाथ का आशीर्वाद लेने और उस स्थान की शांति के आनंद की अनुभूति लेने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भगवान विष्णु को समर्पित रंगनाथ मंदिर भारतीय परंपरा का प्रतीक है। वर्तमान युग में बहुत सारी नई तकनीकें हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं और कुछ तकनीकें ऐसी हैं जिसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। आजकल अधिकतर लोग पूरा दिन मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, चाहे किसी से बात करना हो, टेक्स्ट मैसेज करना, चैटिंग करना या फिर इंटरनेट का प्रयोग करना, चाहे घड़ी हो या कैमरा, ये तमाम तकनीकें क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर आ गई हैं इसलिए मोबाइल फ़ोन लगभग 24 घंटे हमारे साथ रहता है। इसके इतने सारे उपयोग हैं कि जो लोग इसका उपयोग करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करना इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि मोबाइल के अधिक प्रयोग से किस तरह का प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, और ख़ास तौर पर वो लोग जो आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर दर्द से प्रभावित रहते हैं, शायद वो ये नहीं जानते कि आपके लगातार होने वाले सिर दर्द का कारण आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग करना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। घंटों मोबाइल पर चैट करना सिरदर्द और आंखों की रोशनी कम होने का कारण बन रहा है। ये शिकायत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, विशेष तौर पर वो लोग जो अधिक देर तक मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं या अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उनमें ऐसी समस्याएं काफी हो रही है। सरदर्द की बीमारी जनसंख्या में एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन मोबाइल यूज़ की वजह से सरदर्द का होना ये रिश्ता कई बार मरीजों को भी नहीं समझ में आता है।
इस चीज़ के लिए हमने जब एक स्टडी की जिसमें हमने देखा कि मोबाइल यूज़ जो लोग ज़्यादा करते हैं, देखिए जैसे फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी हमें रूल करने लगती है या हमें डिक्टेट करने लगती है या हमारा उस पर नियंत्रण नहीं रहता है और हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या अपनी हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत चीज़ों पर असर करती है, हमारी ब्रेन हेल्थ पर करती है, हमारी नज़र पर करती है, हमारी जीवन शैली पर करती है और हमारे तनाव के लेवल पे भी करती है और हमें पता है हमारी नींद पे भी करती है एक्चुअली। तो नींद हो चाहे तनाव हो चाहे हमारी जीवन शैली है, ये सब जो सरदर्द के मरीज हैं उनमें उस पर ज़्यादा प्रभाव होता है। युवा देर रात तक मोबाइल पर वेब सीरीज देखते हैं जिसके कारण कई घंटों तक लगातार मोबाइल पर नज़र टिकी रहती है। इससे आँखों पर तनाव और दबाव बढ़ता है। देर रात तक जागने से स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रात में अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग करना अधिक समस्या बढ़ा रहा है। बच्चों और बड़ों में सिरदर्द की समस्या भी काफी देखी जा रही है जिसका कारण मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग माना जा सकता है। कंप्यूटर टीवी मोबाइल का अधिक प्रयोग करना माइग्रेन की समस्या का कारण बन सकता है। देर रात तक मोबाइल और कंप्यूटर पे काम करने से नींद पूरी नहीं होती, तनाव अधिक बढ़ जाता है, आँखों पर अधिक दबाव पड़ता है, वहीं पोस्चर गलत होने से कई तरह की अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। मोबाइल का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें सरदर्द ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर के लिए होता है और सरदर्द निवारक दवाएं, चाहे वो दर्द के अटैक के लिए ली गई हों या उसके प्रिवेंशन के लिए ली गई हों, उन दोनों का ही असर कम होता है। तो जब हमें ये पता चला तो हमने इस चीज़ को भी शोध करने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं है कि जो मरीज़ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें हमने एक मोबाइल एडिक्शन स्कोर भी निकाला जिसमें हमने देखा कि ऐसे कितने प्रकार के मरीज़ हैं जो एक घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं एक बार में या दिन भर यूज़ करते हैं। हो सकता है ये उनकी जॉब का ही पार्ट हो और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जो सोने से पहले मोबाइल के बगैर यूजुअली एक घंटे दो घंटे देखते रहते हैं या उसकी वजह से उनकी नींद प्रभावित हो रही है या उसकी वजह से उनकी बाकी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं और वो अपने काम के दौरान या अपने वर्कप्लेस के में भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो अगर ये ज़्यादा यूज़ होता है तो इसकी वजह से स्पेशली जिन मरीज़ों में ऑलरेडी सरदर्द की प्रॉब्लम है, हमने उनमें देखा है कि उनमें दर्द की दवाओं का असर भी कम होता है और उनमें सरदर्द के दिन या मात्रा या भीषणता भी ज़्यादा होती है। और भी प्रकार के सरदर्द होते हैं जैसे टेंशन टाइप हेडेक होता है या अलग और भी प्रकार के हेडेक्स होते हैं। माइग्रेन सबसे कॉमन हेडेक है इसलिए हम उसकी बात करते हैं। तो माइग्रेनर्स में यूजुअली माइग्रेन के अटैक के दौरान ही फोटोफोबिया होता है जिसको हम कहते हैं कि आँखों में चौंध लगती है। तो जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर हम हाई लाइट वाली स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या अंधेरे में स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि उससे हेडेक की जो या सरदर्द की जो भीषणता है वो बढ़ जाएगी। दूसरा कि उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्हें सरदर्द ख़त्म करने के लिए दवा ली हो तो उसका प्रभाव भी उतना ना पड़े या आने में टाइम लगे। लगभग 65% वयस्क और 80-90% किशोर अपने फोन को लेकर सोते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है वो इस बात से अनजान रहते हैं। मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल करने से रात को ठीक से नींद नहीं आती। यदि व्यक्ति सुबह थके हुए उठता है तो उसका मूड खराब रहता है, सुस्ती रहती है और काम ठीक से नहीं हो पाता। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मोबाइल फोन हमारी सेहत को कई मायनों में खराब कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारी जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुकी है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें उससे फ़ायदा तो उठाना है, उससे लाभान्वित भी होना है, लेकिन हमें यह भी जानना है कि किस लिमिट के बाद अब हमें उसमें वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। यह चेक पॉइंट बच्चों में या छोटे बच्चों में या इवन टीनेजर्स में ये चेक पॉइंट नहीं होता है और उनको ये चीज़ डेवलप करने के लिए उनके माँ बाप, उनके टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उससे दुष्प्रभाव उनको दिख रहे हैं जैसे बच्चे में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होना, बच्चे की नींद खराब होना या फिर ऐसा लगे कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई में
अच्छा प्रभाव या लर्निंग की बजाय उसमें लिखावट में या उसके व्यवहार में या उसकी लर्निंग में कुछ खराब हो रहा है, तो हमें वहाँ पे देखना है कि वो कंटेंट क्या यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली अगर बच्चों में हमें लग रहा है कि नज़र की प्रॉब्लम आ रही है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके सरदर्द की मात्रा बढ़ रही है या उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा मोबाइल यूज़ या ज़्यादा स्क्रीन यूज़ की वजह से भी हो सकता है। फोन की लत हमारे जीवन पर हावी हो रही है और उसके दुष्प्रभाव काफी अधिक हैं। इसलिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग तो करें, लेकिन इसका उपयोग करते समय सावधानी भी रखें। यदि आप आए दिन सिरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं, तो ये स्मार्टफोन के अधिक प्रयोग करने का परिणाम हो सकता है। सतर्क हो जाइए, स्मार्टफोन का उपयोग करें, लेकिन साथ ही सावधानी भी रखें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। कोई भी नई तकनीक हमारे लिए वरदान साबित होती है या उससे हमें समस्या होती है, ये हम पर निर्भर करता है। ठीक वैसी ही तकनीक है मोबाइल फोन। इसलिए मोबाइल फोन के होने वाले दुष्प्रभावों से अगर बचाव करना है तो मोबाइल को छोड़ना होगा, मोबाइल का साथ छोड़कर खुद मोबाइल होना होगा, यानी गतिशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको मोबाइल की वजह से कोई समस्या हो रही है, गर्दन में अकड़ान रहती है, सिरदर्द की समस्या है या फिर कोई और समस्या आपको परेशान कर रही है, तो कौन सी वो योगिक क्रियाएं हैं जो इसमें उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, हरिओम, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मोबाइल फोन का यूजेज तो ऐसे हो गया है जैसे हमारे शरीर का अंग जो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। बहुत सारी अच्छी जानकारी भी उससे मिलती है, लेकिन साथ साथ में हर चीज़ के पॉजिटिव्स होते हैं तो नेगेटिव्स भी होते हैं, और एक नेगेटिव जो है बहुत सारे और भी हैं, बट जो सबसे ज़्यादा आजकल देखने में आ रहा है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन के कारण या मोबाइल के कारण हमारे सर में दर्द रहना, हेडेक का प्रॉब्लम रहना, आँखों की वीकनेस, और ये सब तो होता ही होता है, लेकिन विशेष रूप से जब आप मोबाइल को ऐसे पकड़ते हैं तो कुछ शोध तो ये कहते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक यू आर कैरिंग केजीज ऑफ वेट एट योर नेक। यानी इस अवस्था में जब आप बहुत देर तक रहते हैं तो आपकी गर्दन से वो तनाव खोपड़ी की तरफ जाने लगता है और सर में दर्द होने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है इस सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए। सबसे पहला काम तो ये तो नहीं कहेंगे स्क्रीन यूजेज कम कर दीजिए, बट कॉन्शियस स्क्रीन यूजेज कीजिए। जीवन हमें कॉन्शियसली जीने के लिए मिला है, ये नहीं कि बस हर वक्त कभी कुछ भी कर रहे हैं हम, नहीं, हर चीज़ का समय निर्धारित है। जब मोबाइल यूज़ करें तो गर्दन को सीधा रख के, यानी उसे एक डिवाइस पर लगा लीजिए, स्टैंड पर लगा लीजिए, और ऐसे यूज़ करें, ऐसे यूज़ ना करें। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब आप बहुत लंबा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लीजिए, मोबाइल से अपनी आँखों को हटाइए, जितना दूर हो सकता है उतना दूर देखिए, और इस तरह से 30 सेकेंड्स ऑफ ब्लिंकिंग कीजिए, 30 सेकेंड तक आँखों को ब्लिंक करते रहिए और फिर पामिंग कर लीजिए। ये आपके सर दर्द में तुरंत आराम देगा। अगर सर दर्द हो गया है तो आपको क्या करना है, दो काम। पहली चीज़, अपने पेट पर हाथ रखिए, दूसरा अपने सीने पर, और ये दोनों प्रैक्टिसेस आप वज्रासन में करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे, पेट पर और सीने पर हाथ रखा, पूरा लंबा गहरा सांस लेना, पहले पेट का फूल जाना फिर सीने का फूल जाना। एक बार देखिए कैसे। अब जब सांस छोड़ें, पहले सीने का कॉन्ट्रैक्ट होना फिर पेट का, ऐसा 5 से 10 बार कीजिए, और फिर इस ही स्थिति में बैठे बैठे अपने टखनों को पकड़ लेंगे ऐसे कि उंगलियां अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, गर्दन को पीछे ढीला छोड़। जब आप इस स्थिति में आएंगे तो रक्त का प्रवाह खोपड़ी की तरफ आएगा और आप देखेंगे कि इंस्टेंटली आपके गर्दन से जो तनाव खोपड़ी की तरफ जा रहा है वो दूर होने लगा है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस स्थिति में रुकेंगे, फिर हाथों को भी वापस ले आएंगे और गर्दन को भी वापस ले आएंगे। ये आसान सा काम आप प्रतिदिन अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कीजिए, और ध्यान रखिए मशीन्स हमारे लिए हैं, हम मशीनों के लिए नहीं हैं। हमें मशीन को यूज़ करना है, मशीन को अपने आप को यूज़ ना करने दें। इसलिए कॉन्शियसली अपना समय निर्धारित करें, बहुत लंबे समय तक मोबाइल को यूज़ ना करें, इन क्रियाओं का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।
संतुलन और नियंत्रण जीवन को बेहतर बनाता है। ठीक उसी तरह से अगर बात हो मोबाइल के प्रयोग की, तो अगर इसका प्रयोग सीमित और संतुलित तरीके से किया जाए तो इसके होने वाले दुष्प्रभाव जो हैं उनसे बचाव किया जा सकता है और इसका उपयोग कर जो हमारा लाभ है हमें वो भी मिल सकता है, बेहतर तरीके से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बाद आपका स्वागत है। शिष्टाचार सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिष्टाचार वो शक्ति है जिसमें संसार को जीतने की उपयोगिता है और उससे संसार को जीता जा सकता है। शिष्टाचार हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों से मिलते हैं तो उनसे कैसा व्यवहार करना है, उनका आदर कैसे करना है, सम्मान कैसे करना है। संस्कृत पाठशाला में आज हम सीखेंगे कि शिष्टाचार से जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसके लिए संस्कृत में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। स्वागतम अस्ते सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। नमो नमः। नमः इस शब्द को आप बार बार संस्कृतज्ञों और संस्कृत प्रेमियों के मुख से सुनते रहे होंगे, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए यह शब्द कहते हैं, अर्थात नमो नमः कहते हैं, जिसका अर्थ है बार बार नमस्कार है। तो आज संस्कृत की पाठशाला में बात संस्कृत में स्वागत करते हुए नमस्कार से जुड़े वाक्यों के प्रयोग की। जैसे मैं आप सभी से अभी संवाद आरंभ कर रहा हूं तो मैं संस्कृत में कहूंगा नमो नमः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी ऐसे ही इसी वाक्य का प्रयोग करते हुए संस्कृत में संवाद का आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको नारायण दत्तः की जगह अपना नाम जोड़ना है, यानी अपने नाम को रखना है। जैसे यदि आपका नाम है नरेंद्र या यशोदा तो आप कहेंगे नमो नमः अहमस्मि नरेंद्रः या नमो नमः अहमस्मि यशोदा। ऐसे ही आप अपने नाम को जोड़ते हुए इस वाक्य के प्रयोग के साथ नमस्कार और अपना परिचय संस्कृत में प्रस्तुत करना सीख सकते हैं। इस आरंभिक औपचारिक शिष्टाचार को हम नमो नमः की जगह नमस्कारः इस संस्कृत शब्द के प्रयोग के साथ भी ऐसे कह सकते हैं नमस्कारः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी इसी वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अपने नाम को जोड़कर नमस्कारः इस शब्द के साथ औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कहना होगा नमस्कारः अहमस्मि आपका नाम, जैसे नमस्कारः अहमस्मि गवीशः, नमस्कारः अहमस्मि नीतीशः,
नमस्कारः अहमस्मि गौरी, नमस्कारः अहमस्मि लता, ऐसे ही कई वाक्य, यानी आप अहमस्मि के बाद अपना नाम जोड़ सकते हैं। वैसे नमो नमः और नमस्कारः के अतिरिक्त भी हमारे पास कई संस्कृत शब्द हैं जिनसे नमस्कार का अर्थ निकलता है, जैसे अभिवादये या अभिवादनम, वंदे या वंदनम, प्रणमामि या प्रणामः, नमस्यामि या नमनम। तो आइए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कुछ और संस्कृत वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। अभिवादये अहमस्मि पत्रकारः, अभिवादनम या अभिवादनमस्तु अहमस्मि लेखकः। और अभिवादन के बाद अब वंदन शब्द के साथ करते हैं वाक्य प्रयोग। वंदे अहमस्मि संस्कृतानुरागी, ऐसे ही वंदनम या वंदनमस्तु अहमस्मि प्रशिक्षकः। एक और शब्द है प्रणाम, तो इसे आधार बनाकर वाक्य बना लेते हैं। प्रणमामि अहमस्मि पुस्तक प्रियः, प्रणामः या प्रणामः अस्तु अहमस्मि क्रीडा प्रियः। अब एक और शब्द नमन को लेकर करते हैं वाक्य प्रयोग। नमस्यामि अहमस्मि दूरदर्शन संदर्शकः, वारं वारं नमनम या वारं वारं नमनमस्तु अहमस्मि कार्यक्रम समन्वयकः। तो अब आप नमो नमः नमस्कारः के प्रयोग के साथ ही इन शब्दों को लेकर भी औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं संस्कृत में। इसके लिए आप बस करते रहें आज बताए गए शब्दों को लेकर संस्कृत वाक्यों का अभ्यास। और अभी मुझे दीजिए अनुमति, पुनर्मिलामः, नमो नमः। कहते हैं संपत्ति और स्वास्थ्य भले ही जीवन भर व्यक्ति के साथ न रहे, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा उसके साथ रहता है। तो अपने स्वभाव में संयम और सरलता को बनाए रखिए, सहयोगी बनिए, उपयोगी बनिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।